नमस्कार, एपी न्यूज बिहार से मैं राजरोहित। अभी हम पीएम कॉलेज रेखा से जुड़े हुए हैं, जहां पे एआईएसएफ के जुझारू नेता व बहुत सारे साथी हमारे बीच मौजूद है, जो कुछ बातों को लेकर धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जैसे कि 2015 में जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा पिछड़ा छात्र छात्रा जो है उन सब के लिए फ्री में शिक्षा व एडमिशन में कोई फीस न लगनी चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था अभी नहीं चल रही है। विगत 3 से 4 साल से हर बच्चा से एडमिशन फीस लिया जा रहा है। तो आइए, यहाँ मौजूद हमारे कुछ साथी से बात। एआईएसएफ के जिला सचिव विकास कुमार झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विकास जी, आपका क्या कहना है? हमारे एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ राज्य परिषद के द्वारा आज 6 नवम्बर को पूरे बिहार के अंदर 30 जिला में एक दिवसीय उपवास करने का हम लोगों का निर्णय था। यह उपवास कार्यक्रम हम लोगों का मुख्य रूप से सभी छात्राओं को, सभी जाति के छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का जो बिहार सरकार का अध्यादेश है 2015 के जुलाई में लागू हुआ था। 2015 के जुलाई से लेकर अभी हम लोग नवंबर 2019 में बैठे हैं, अभी तक किसी कॉलेज के अंदर छात्राओं से पैसा वसूलना बंद नहीं किया गया है। इसके खिलाफ संगठन ने ठोस कदम उठाते हुए हम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर पीएलआर बॉन्ड दायर किया है, और हम आंदोलन के माध्यम से सभी छात्राओं से 4 साल से जो पैसा वसूला जा रहा है वह कॉलेज प्रशासन सभी छात्राओं को अकाउंट पे उसको पैसा रिटर्न करने का काम करे। दूसरा हमारा एजेंडा है जो केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे को निजीकरण करके निजी हाथों में जो बेचा जा रहा है, यह सीधे तौर पे आने वाले भविष्य के छात्राओं को छात्रों के साथ यह घिनौना मजाक है। जो सरकारी नौकरी का जो सुनहरा अवसर सपना यहाँ विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे दूर करने का काम हो रहा है। ठीक उसके विपरीत देश के अंदर सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में एक, विश्व के 5 शिक्षण संस्थानों में एक हमारा जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां पर रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी एडमिशन लेकर पढ़ाई अपना करता है, पीएचडी कंप्लीट करता है, वहां पर फीस वृद्धि, हॉस्टल का फीस वृद्धि 150 गुना बढ़ा दिया गया है, जो कि आम विद्यार्थी उसमें असमर्थ हैं वो फीस देने के लिए। इसीलिए हमारे संगठन का डिमांड है केजी से पीजी तक सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दिया जाए, रेलवे को निजीकरण करने से रोका जाए, और जेएनयू के अंदर जो फीस वृद्धि बेहताशा फीस वृद्धि किया गया है उसको बिना शर्त वापस लिया जाए। नहीं तो एआईएसएफ पूरे देश के अंदर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सड़क से लेकर हम लोग कोर्ट तक सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। विकास झा, एआईएसएफ जिला सेक्रेटरी, मधुबनी।